नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है Realme 3 Pro का मोबाइल और इस मोबाइल में एक प्रॉब्लम है। इस मोबाइल को जब भी हम चार्ज करते हैं तो इसका बैटरी परसेंटेज 70% के आगे नहीं जाता है और इस मोबाइल को हम घंटों भी लगा दें चार्जिंग में तो 70 का 70 ही शो करता है। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम किसी भी मोबाइल में हो तो किस तरह से बना सकते हैं, हम आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो और इस मोबाइल के प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल के पीछे वाले बैक कवर को हम खोलेंगे। तो इसके लिए हमें एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना पड़ेगा, जो है इस तरह का। इस प्लास्टिक के टुकड़े से हम इसके बैक को खोलेंगे। तो चलिए किस तरह खोला जाता है ये आप देख लीजिए। दोस्तों, बैक कवर को कंपनी वाले लोशन से चिपकाते हैं, तो बैक कवर का भाग और बॉडी का भाग, इन दोनों के बीच में एक लाइन बनी रहती है, आप देख सकते हैं। तो इस लाइन में हम इस प्लास्टिक के कॉर्नर को इस लाइन के ऊपर रखकर धीरे से पुश करेंगे और खींचेंगे। तो धीरे धीरे पुश करते हुए हम जब चारों तरफ से खींचेंगे तो ये बैक कवर खुल जाएगा। तो चलिए हम खोल देते हैं इस बैक कवर को। दोस्तों, बैक कवर को खोलने के बाद हम आप देख सकते हैं इसके पीछे जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं, हम सभी स्क्रू को एक एक करके खोल लेते हैं। तो हम स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आते हैं। दोस्तों, हमने इसके सभी स्क्रू को खोल लिया है। अब हम फिर से इस प्लास्टिक के टुकड़े को लेंगे। अब हमें LCD वाले भाग को खोलना है। तो यहाँ पर भी हमें एक लाइन दिखाई देगी, उस लाइन में हम इस प्लास्टिक के भाग के कॉर्नर को रखकर धीरे धीरे पुश करेंगे और LCD वाला भाग को हम ऊपर करेंगे तो इस मोबाइल का LCD वाला भाग ऊपर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका दूसरा भाग खुल चुका है। अब चलिए हम इस मोबाइल को प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो नीचे की तरफ जो चार्जिंग कनेक्टर वाला सर्किट बोर्ड है, इस बोर्ड को हम निकालते हैं। दोस्तों, जिस केबल को हम निकाल रहे हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी केबल में होता है क्योंकि वोल्टेज इसी केबल के ज़रिए मेन बोर्ड पर जाता है। इसी केबल के ख़राब होने से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों, अब इस प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं। दोस्तों, चार्जिंग कनेक्टर को चेक करने के बाद हमने देखा है कि चार्जिंग कनेक्टर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। हो ना हो, जो केबल पावर को लेकर मेन बोर्ड तक जाता है उसमें ही कोई ना कोई गड़बड़ी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? दोस्तों, इस चार्जिंग कनेक्टर में देखिए 5 पॉइंट है। तो अब हमें क्या करना है, इस 5ों पॉइंट में से जो आखिरी वाला पॉइंट है, इसमें 5 वोल्ट रहता है। इस आखिरी वाले पॉइंट में हम एक जम्पर वायर को लगाएंगे। अब चलिए जम्पर वायर लगा देते हैं, इसके बाद बताते हैं फिर क्या करना है। तो दोस्तों, हमने चार्जिंग कनेक्टर के 5वें नंबर पॉइंट में, जहाँ से
जहाँ से हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिलता है, वहाँ पर हमने जम्पर वायर को लगा दिया। अब चलिए इस बोर्ड को हम उसकी जगह पर लगा देते हैं जहाँ ये पहले था। दोस्तों, चार्जिंग बोर्ड लगाने के बाद और सभी कनेक्शन देने के बाद आप देख सकते हैं ये पत्ता जो है ये यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ आया है इस जगह। तो जो हमारा मोबाइल का प्रॉब्लम है इसी पत्ते में है। तो हम बैटरी कनेक्शन को खोल देते हैं और इस पत्ते को भी हम खोल देते हैं। और इसके अंदर जो रबड़ है दोनों कनेक्शन के बीच में, इस रबड़ को भी हम निकाल देते हैं। दोस्तों, रबड़ निकालने के बाद आप देखिए ध्यान से, इन दोनों कनेक्शन के बीच में एक बिंदु दिखाई दे रहा है। यह बिंदु पावर पॉइंट है। चार्जिंग कनेक्टर से यहाँ से होते हुए सप्लाई 5 वोल्ट सप्लाई, यहाँ से होते हुए 5 वोल्ट सप्लाई इस पेपर के जरिए इस पॉइंट से कनेक्ट रहता है। तो चलिए इस जम्पर वायर को हम इस पॉइंट में सोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, इस जम्पर वायर का काम ख़त्म हुआ। हमने चार्जिंग पॉइंट से लेकर 5वें नंबर पिन से इस दोनों कनेक्टर के बीच में एक पॉइंट में इस जम्पर वायर को जोड़ दिया। अब दोस्तों, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके बाकी बचे कनेक्शन को हम लगा देते हैं, उसके बाद हम मोबाइल को फिट करते हैं और फिर आपको चालू करके दिखाते हैं कि हमारा जो इस मोबाइल का प्रॉब्लम था, जो 70% के आगे चार्ज नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम दूर हुआ है या नहीं। तो चलिए इसे फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों, इस मोबाइल को हमने जिस तरह से खोला था उसी प्रकार से हमने इसे फिट कर दिया है और इस मोबाइल में हमने चार्जिंग केबल को लगा दिया चार्ज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम था वो दूर हुआ है या नहीं। तो देखिए, इस मोबाइल को जब भी चार्ज दिया जाता था तो 70% के आगे नहीं बढ़ता था। तो कुछ देर में इसका परसेंटेज 72 हो चुका है। इसका मतलब जो हमने इस मोबाइल में काम किया है उस काम से इसका प्रॉब्लम दूर हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।